बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। कुछ दिन पहले हम सियालकोट गए थे और सियालकोट से हम लेके आए थे गोश्त। उस गोश्त में ये चिकन नेक्स भी जो है ना शामिल थी। भाई मुकर्रम ने कहा था कि ले लो, इनका पुलाव बनाना बहुत ही कमाल का बनता है। तो आज संडे है तो घर वाले जो है आज बनाएंगे चिकन नेक्स का पुलाव। तो भाई मुकर्रम को मैंने कहा था कि बनाऊंगा ना तो आपको इन्वाइट जरूर करूंगा। तो भाभी अभी बनाएंगे दोपहर के खाने में, पुलाव होगा तो भाई मुकर्रम को मैं कॉल करके बुला लूंगा। भाभी ने पुलाव बनाना है तो उनको चाहिए बिरयानी मसाला और धनिया, और तीसरी एक और चीज़ चाहिए वो है बर्तन धोने वाला साबुन। तो अभी दुकान पे मैं जा रहा हूँ ये तीनों चीज़ें लेने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, अम्मी जान घर नहीं थी तो इसलिए पैसे नहीं है, तो अभी उधार करके आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अम्मी जान आएँगी उनसे पैसे लूँगा और फिर दुकान वालों को मैं दे दूँगा। धनिया दे दो, अब पैसे बचते हैं, थोड़ी देर तक दे जाना। 80 रुपये का बिरयानी मसाला है और 30 रुपये साबुन है बर्तन धोने वाला, धनिया उन्होंने फ्री में ही दे दिया है। अभी 110 रुपये दे के आऊँगा मैं जैसे ही अम्मी जान कराएंगे। देखें जी अरफा, मेर ने तबाही मचाई हुई है। वाह, कुछ हमने खाए हैं, कुछ ऐसे जाया किए हैं हमने। इधर जी रायता हो गया है तैयार, चावल उठा लो ये। वाह, एकदम गर्म धुआं निकला अंदर से, चावल भी ऑलमोस्ट तैयार हैं। भाई बशर ने बैठ के चेक भी कर लिए हैं, क्या कहेंगे आप? परफेक्ट। तो एक मसला हुआ है वो ये कि भाई मुकर्रम का नेट ऑफ है, पता नहीं क्या मसला है, उनको मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा व्हाट्सएप पे। भाई मुकल्लफ जो उनके छोटे भाई हैं उनको भी नहीं हो रहा, जो उनके बड़े भाई हैं भाई मोजम उनको भी मैंने कॉल करने की कोशिश की है, व्हाट्सएप पे नहीं हो रही कॉल। नीचे तो सिर्फ व्हाट्सएप चल सकता है, और अगर सिम वगैरह पे कॉल करनी है तो फिर छत पे मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, उम्मीद है कि कॉल पे बात हो जाएगी मेरी, अगर ना हुई फिर तो मसला है ना जी। स्पेशली मुकर्रम के लिए मैंने बनवाए हैं। लगता है बन बशीर को भूख ना काफी ज्यादा लग गई थी। कोई देखे ना देखे हम तो देखेंगे। हाँ जी भाई, मुकर्रम से हो गया रब्ता। भाई मुदस्सर से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन वो व्हाट्सएप पे। भाई मुदस्सर को कॉल तो जा रही है लेकिन भाई मुदस्सर कॉल उठा नहीं रहे। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद होता है तो थोड़ी देर पहले भाई बशर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भाई बशर कहते हैं अंदर से बहुत गंदी बदबू आई। तो थोड़ी सी सर्च करने के बाद भाई बशर को पता चला कि अंदर किसी बिल्ली ने पोटी कर दी हुई है। खैर पोटी तो साफ कर दी है, अभी मैं एयर फ्रेशनर लेके आया हूँ। मैं भी आया था तो अभी बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है, लेकिन एयर फ्रेशनर से मैंने हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैला दी है, सफाई बाकी कर दी हुई है। तो ये पंजे के निशान है इधर जिससे पता चलता है कि बिल्ली अंदर आई थी। बिल्लियों की आदत होती है कि वो जब भी पोटी करती हैं ना तो ऊपर कोई ना कोई चीज़ वो डाल देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मिट्टी पे पोटी कर रही हैं ना तो अपने पंजों की मदद से पोटी ऊपर मिट्टी डाल देती हैं। तो दूसरा वो कहीं छुप छुपा के पोटी करती हैं। कई दफ़ा तो हमारे घर में ऐसा भी हुआ है, अंदर बिस्तरों में घुस के कई दफ़ा बिल्ली जो है वो पोटी करके आ जाती है। अम्मी जान चावल खा रही थी तो मैंने चेक किए हैं, कमाल के माशाल्लाह बने हुए हैं। साथ अरफा भी है अम्मी के, अम्मी की पार्टनर खाने पीने में। जमी जमी। अम्मी जान से अभी पैसे लिए हैं मैंने, जो उधार करके आया हूँ वो पैसे दे के आता हूँ, साथ कोई कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। अभी चावल खाएंगे ना तो साथ कोल्ड ड्रिंक होगी तो मज़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। चावलों का भी मजा है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक तो लेवल अप हो जाएगा। हाँ जी अबू जी। हाँ जी, अब बड़ा आदत हो के माँ को पैसे मांगना महंगी गल है। बस वेख लो फिर जो नहीं है। भाई मुकर्रम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? खुशबू बहुत अच्छी लगाई हुई है आपने जी। भाई जान बिस्मिल्लाह करें। भाई दस सर आप बैग जरा उतार लें, स्कूल से छुट्टी नहीं हुई आपको अभी? अच्छा अच्छा, ट्यूशन से भी वैसे छुट्टी आज तो? नहीं वो मुझे नहीं होती। अच्छा, क्लासें ले रहा हूं आज। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों नहीं पढ़ना आपने? आपके बेटे को जांच ही नहीं आती है इसलिए नहीं वो पढ़ेगा। गर्दन पुलाव पट नहीं कितने को नजर आ रहा है। नहीं 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 भाई मुकर्रम की डिमांड पे ही ये बनाया गया है। हेलो हेलो कैटो। चावल खा लिए हैं, अभी टाइम हुआ जाता है जी बर्तन समेटने का। मैंने कहा चाय आप कहने लगे कि अभी जाने में बात चलता है चाय का। चाय आएगी ना, ये बर्तन जाएंगे फिर चाय आएगी। मुझे खेलने का जाँच है। हाँ ऐसे खेलने का जाँच है तुम्हें, बस पढ़ने की जाँच नहीं है।
थैंक यू सो मच भाई। बस तो उसके आगे नहीं पढ़ना आपने, उसके आगे तो नहीं पढ़ना, सिर्फ एबीसी पढ़नी है। थैंक यू सो मच भाई जान, आप अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाल के आए। बाकी मजा आया आपके साथ बैठ के गपशप लगा के, खाना खाना ही होता लेकिन कंपनी अच्छी होती है, जरा स्वाद वादिया नहीं दे सर सारा रोला ही चाहने तो भाई हूं परमानेंट कंपनी को इख्तियार कर ले। समझ गया। अभी मैं दरवाजा बंद कर दूं, कहीं अगेन बिल्ली घुस के को कार्रवाई ना डाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंगवाया है बम्बशन ने, ये हम खेत में लगाएंगे, इससे पहले भी लगाया हुआ था और जहाँ पे पहला हैमॉक लगा हुआ था ना वहीं पे से भी लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं खेत में। बम्बशन ने बनाया है जी चूजों के लिए घर, ये देखें नन्हे मुन्ने से क्यूट क्यूट से चूजे रखे हैं, 30 चूजे हैं ये माशाल्लाह। कैसे मस्त खड़ा है, हवा चल रही है ना, थोड़ी ठंड है, तो ये रोटी है मेरे हाथ में, तो थोड़ी थोड़ी रोटी करके ना मैं डाल रहा हूँ। देखा लगे हुए हैं, ये एक्टिव हो गया साथ ही, तो पता चल गया कि मेरी वीडियो बन रही है। एक इधर अंदर भी खड़ा है, ठंड लग रही है तुमको? और भी वो है? नहीं एक ही अंदर, बाकी सारे बाहर हैं। अभी गंदम जो है ना ये थोड़ी बड़ी होगी हुई है, तो फिर अगर अंदर चले जाएं चूजे चूंकि छोटे हैं तो फिर गुम होने के चांसेस हैं अंदर ना, तो इसलिए फिर भाई बशा जो है इधर खड़े हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे इनको। शावा जब अंदर से निकले थे ना तो ऐसे खड़े थे, मतलब एक ही जगह पर ठंड लग रही थी इनको, लेकिन अभी एक्टिव हो गए हैं। खाओ खाओ भाई खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। ओह देखो ये तो फिर बाहर आना शुरू हो गई है। चलो मुश्किल है इनको काबू करना भी। जो एक ही रह गया बाहर, अंदर सारे चूजे जो है ना वो कहती हैं, ये देखें इधर विंडो असल वाली जो है ना वो बहुत प्यारी, ये बंद क्यों की है, हवा आना जाए। हाँ 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 ये देखें कितनी प्यारी जो है ना विंडो बनाई हुई है, सारे चूजे जो है ना वो नजर आते हैं। ठंडा हवा चल रही है आज, तो इसलिए भाई बशन ने आगे ना ये दे दिया हुआ था ताकि हवा अंदर ना जाए। बाकी ये इतना बड़ा रूम है इनका, फुल सुकून से अंदर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हैमॉक लेके आया हूँ मैं, तो पहले वाला जो है ना वो ख़राब हो गया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। पहले वाला जाली वाला था, अभी ये कपड़े वाला है, ये देखें इसकी सारी जाली जो है ना टूट गई हुई है। तो गर्मियों में ना इसने बहुत फ़ायदा दिया था, गर्मियों में इधर एक बंदा सुकून से लेट सकता है, और अभी गर्मियाँ आ रही हैं अगेन हैमॉक की ज़रूरत थी, तो अभी इसे उतारते हैं, ये वाला हैमॉक जो है ना इधर लगाते हैं। और मोटर चलती है जब इधर से नीचे से पानी गुजरता है, फिर आप यहाँ पे बीच में पाँव रख के भी इस पर बैठ सकते हो, जो कि बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा लूज करनी है, बहुत टाइम देना पड़ेगा। ये सही है भाई, जो जाली वाला पहले लगाया हुआ था ना हैमॉक, उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल बंदा रहता है। हाय हाय ऐसे ही है जैसे चारपाई पे मैं लेटा हुआ हूँ। होंटे मांटे लोर दियाँ गड्डियाँ पशोर दे कांटे मायो पैनो अपने अपने टींडे पांडे सांभलो, क्योंकि जैनुल आबिदीन की गड्डी आ गई है। हैमॉक पे कोई पिछले आधे पौने घंटे से ना मैं लेटा हुआ था, बहुत मज़ा आया उस पर लेटने का पहले वाले की नस्बत। तो खैर आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।